यूं तो आगामी 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती है, लेकिन जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने इस जयंती को 20 जनवरी के दिन ही मनाने का निर्णय लिया है। जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर के निर्देश पर पूरे बिहार में इसकी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू भी कर दी गई है। इसी क्रम में आज जनसुराज के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में जनसुराज के कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक मिर्चाईबर स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि 24 जनवरी को बिहार के महामानव महानायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। जनसुराज अभियान के मुख्य नायक प्रशांत किशोर जी भी एक बिहार के महामानव के रूप में जाने जाते हैं। एक महामानव ने बिहार के तरक्की के लिए, बिहार के बदहाल स्थिति में बिहार को निकालने के लिए एक नया बिहार जो कर्पूरी ठाकुर ने सपना देखा था, अधूरा रह गया था, उसको पूरा करने के लिए जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने कर्पूरी ठाकुर की जयंती 20 जनवरी को बाबू सभागार पटना में मनाने का निर्णय लिया है। उसी संबंध में तैयारी के लिए हम लोगों ने आज एक छोटी सी बैठक रखी थी। बैठक में निर्णय लिया गया 19 तारीख को रात में कटिहार से सैकड़ों की संख्या में लोग पटना कर्पूरी ठाकुर जयंती में शामिल होने के लिए जाएंगे। आगामी 20 जनवरी को पटना के बापू सभागार में जननायक कर्पूरी ठाकुर की यह जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। इस जयंती समारोह में अधिक से अधिक कार्यकर्ता शामिल हो, वो इसलिए था कि कर्पूरी जयंती आ रही है और कर्पूरी ठाकुर एक ऐसा नाम, एक ऐसी विचारधारा लेकर चलने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने एक ऐसे समाज का सपना देखा था जिसकी आवश्यकता पूरे देश को है, और वो समाज का जो सपना देखा वो पूरा नहीं हो सका। लेकिन अच्छी आत्माओं के साथ अच्छी घटनाएं ये होती हैं कि उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए सृष्टि भी कोई ना कोई उपाय लगाती है, और उसको पूरा करने के लिए प्रशांत किशोर ने बीड़ा उठाया है कि नहीं, इसे हमें आगे बढ़ाना है और उनके जो सपने थे उसको साकार करना है और बिहार को आत्मनिर्भर और पूरा गौरवशाली बिहार, जो मौर्य गाथा आज भी हम लोग गाते हैं, उससे भी आगे हम पहुँचें, उसके लिए जो रास्ता बनाना है वो तभी निकलेगा जब हम कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों की जीवनी को समझ पाएंगे, उनके संघर्षों को समझ पाएंगे। और सभी लोगों का यह निर्णय है कि जो 20 तारीख को पटना में पहले एक सामूहिक रूप से हर जिले से जो वहां पहुंचेंगे, एक सभा रखी जाएगी हमारे प्रशांत सर के अध्यक्षता में, और वहां से फिर 24 तारीख पैदल यात्रा के लिए कर्पूरी जी के जयंती को प्रतिमा में जो मल्यार्पण करने के लिए। मेरा नाम अखिलेश कुमार है। कृष्ण कुमार सिंह, क्या होना है 20 तारीख को, क्या सहयोग रहेगा, क्या आपने सोचा? देखिए, हमारे जो लोग हैं कम से कम 100 आदमी लेके हम लोग चलेंगे पटना, वहां जाके जो है हम लोग मल्यार्पण करेंगे। इसी को लेकर राज्य के सभी जिलों में बैठक आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम के प्रति गोलबंद हम लोग हैं, उसी के अंदर जी हूँ, मैं ये समर्थन को हृदय से दे रहा हूँ। मेरा नाम गंगा केवट है, कानपुर विधानसभा के हैं, दो बार सभी पार्टियां अमर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। उम्मीद कर अमर रहे। व्यंजनों की अनोखी दुनिया में स्वाद का ऐसा सफर जो कभी ना भूल पाएंगे आप, मामास फूड कॉर्नर। जैसा हमारा नाम है वैसा हमारा काम भी। चटपटी चाट, स्वादिष्ट व्यंजन, चाइनीज फूड, अमेरिकन मिल्कशेक
और बेहतरीन सजावट का लाजवाब मिश्रण। मन होगा खुश और आंखें भी। यहाँ फैमिली भी है और पार्टी भी। ग्रैंड ओपनिंग मामास फूड कोर्ट आपका स्वागत करता है।